तो मैक्सिमाइज किसी फंक्शन को करने के लिए मैथ्स में क्या तरीका है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट करना होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, जो हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज बना रहे थे, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टैकलबर्ग मॉडल एक्सप्लेन किया था आपको कि क्या होता है, समझा था उसे अच्छे से। आज उसी पर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टर्न में भी बताया था कि स्टैकलबर्ग मॉडल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। तो एक न्यूमेरिकल है, एकदम आप समझ लीजिए उसी टाइप का है जैसा यूपीएससी में आता है। रैंडम वैल्यूज ले ली हैं, पर हमें वैल्यूज से क्या लेना देना, हमें तो मेथोडोलॉजी जो हमने सीखी है लास्ट टर्न में उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, उसका एप्लीकेशन देखना है और आंसर ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, आपको प्राइस का फंक्शन दे रखा है 105 माइनस कैपिटल क्यू। यहां पर कैपिटल क्यू Q1 प्लस Q2 है। मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होती है स्टैकलबर्ग मॉडल में, हम जानते हैं वो 5 दे रखी है यहां पर, और हमसे कह रहा है कि Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकालिए। सी गाइज, यहां पे वो आपसे प्रॉफिट की भी वैल्यू पूछ सकता है Q1 Q2 के साथ में। ठीक है, हम लोग Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रॉफिट की वैल्यू आप जानते हैं निकालना बहुत सिंपल है, जो भी प्रॉफिट का एक्सप्रेशन आएगा Q1 और Q2 के फॉर्म में होगा उसमें रख दीजिएगा Q1 और Q2 की वैल्यू, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा करते हैं। तो हमें मालूम है स्टैकलबर्ग मॉडल में हम लोग हमेशा फॉलोअर फर्म के प्रॉफिट यानी पाई टू से स्टार्ट करते हैं। पाई टू इज द प्रॉफिट ऑफ फर्म टू, दैट विल बी इक्वल टू टोटल रेवन्यू ऑफ फर्म टू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म टू। अब टोटल रेवेन्यू कितना होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ फर्म टू, राइट। एंड टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो कि यहां पर 5 दे रखी है, इंटू Q2, राइट। प्रॉफिट की जगह ये वैल्यू उठा के रखेंगे, प्रॉफिट बोला सॉरी मैंने, प्राइस की जगह ये वैल्यू जो दे रखी इसको रखेंगे। So 105 माइनस और कैपिटल Q की जगह Q1 प्लस Q2 अप्लाई कर देंगे इनटू Q2 माइनस 5 Q2, इसको ओपन करेंगे तो Q2 देखिए अंदर मल्टीप्लाई होगा, 105 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 5 Q2। ठीक है, ये आपके पाई टू की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है फर्म्स का, ये तो अजम्पशन में था स्टैकलबर्ग के। तो मैक्सिमाइज किसी फंक्शन को करने के लिए मैथ्स में क्या तरीका है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट करना होगा। तो प्रॉफिट ऑफ फर्म टू को क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्वांटिटी टू, और इसको जीरो से हम लोग इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 105 Q2 आया आपके पास, 105 माइनस Q1 माइनस 2 Q2 माइनस 5, राइट। 105 माइनस 5 ये इक्वल टू 0 है, ये 100 माइनस Q1 माइनस 2 Q2 इक्वल्स टू 0। Q1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 माइनस 2 Q2 इज इक्वल टू Q1। ठीक है, सॉरी, हम लोगों को निकालनी है किसकी वैल्यू, यहां पे Q2 की निकालनी है ना। सो 100 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2 Q2, सो 100 माइनस Q1 अपॉन 2 इज इक्वल टू Q2। ये Q2 की वैल्यू आ गई, पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये Q1 के रिस्पेक्ट में आई है। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, 100 बाय 2 माइनस Q1 बाय 2, तो 50 माइनस Q1 बाय 2 हो जाएगा Q2 की वैल्यू। ओके, अब क्या करेंगे, अब प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 निकालेंगे, पाई 1
उससे हम क्वांटिटी की वैल्यू निकाल करके, Q1 की वैल्यू निकाल करके उस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास Q1 और Q2 की दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए खैर, पाई 1 निकालने क्या होगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म 1 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म 1, ये क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ फर्म 1। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वैल्यू दे रखी है आपको, 5 इज द वैल्यू इंटू क्वांटिटी दैट इज Q1। प्राइस की वैल्यू 105 माइनस क्यू है, क्यू की जगह ठीक है ना, ये हो गया पाई 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू आ गई 100 और इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए तो Q2 की वैल्यू आ गई, 0 से इक्वेट कर दीजिए, Q1 की वैल्यू निकालनी है तो 2Q1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q2, यानी Q1 कम्स आउट टू बी 50 माइनस Q2 बाय 2, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ नाउ सी गाइस, ये Q2 की वैल्यू थी, इसमें Q1 का एक्सप्रेशन है, Q1 की वैल्यू आप ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, इसको अप्लाई कर देंगे यहां पर तो हमें Q2 की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग एंड Stackelberg इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, ठीक है गाइस। एंड डू रिमेंबर, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, उसको रिजॉल्व करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। थैंक यू।